सो हे फैमिली, आज अपन चलते हैं फोटोशूट पर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं फोटोशूट पर नहीं गया। तो आज मैंने सडनली प्लान बना लिया, मैं और मेरे दोस्तों ने। तो ये ले आए हम कैमरा, और पहले से ही मैंने लोकेशन देख रखी थी, और ये है अपना कैमरा 3200। ये है तुम्हारे भाई का लुक। आप सोच रहे होंगे कि मेरे बाल कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही टाइम पहले मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उसी की वजह से आज मेरे सर पर बाल नहीं है। तो हम आ गए अपनी लोकेशन पर, और हमने अपने सेटअप को पूरा रेडी कर रखा था, गिटार वगैरह हम साथ ले ही आए थे। तो एक करके मैं शूट करने लग गए लोगों के, क्योंकि मैं पहले शूट कर देता हूँ, फिर मैं बाद में अपने अच्छी तरीके से फ़ोटो शूट करवाता हूँ। क्योंकि मेरा फ़ोटो मतलब कि मेरे 50 फ़ोटो होते हैं, तो 50 फ़ोटो में मतलब 2-3 ही फ़ोटो मेरे बढ़िया आते हैं, और उन्हीं को एडिट करने में मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। तो इसलिए मैं पहले इन लोगों के फ़ोटो खींच रहा था, फिर बाद में मैं अपने फ़ोटो आराम से खिंचवाता था। और भाई इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि मैं इन लोगों को पोज बताऊं, क्योंकि ये मेरे से पोज पूछ रहे थे, लेकिन मैं अगर इनको पोज बता देता हूं तो ये हाल ही नहीं बना पाते। बट कैसे भी सही मैं इनको बता देता हूं, तो हिसाब से फ़ोटो खींच भी जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं था अपने पास, तो मैंने बोला कि जैसे आपको पोज बनाना है, जैसे भी तुमको पोज बनाना है वैसे पोज बना लो, मैं क्लिक कर दूंगा। मैटर ये पड़ता है कि तुम कौन से एंगल से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, उसी हिसाब से फ़ोटो में थोड़ा दम आता है, एडिटिंग करने में मज़ा आता है। और आप भाई हमारे डूडू भैया जानते होंगे, क्योंकि ये मस्ती करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, मेरे से भी ज़्यादा आगे हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा आया शूट पर, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर भाई साहब मेरी बारी आ गई, क्योंकि मैं अपनी लोकेशन देख रहा था कि मैं किस साइड से खिंचवाऊँ और कहाँ से नहीं, तो फिर मैटर करता है कि मैं पोज कैसे दूँ। तो भाई वो तो मेरे माइंड में ऑलवेज चलते रहता है, क्योंकि मैं पहले से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने विष्णु को बोला, विष्णु तू शूट कर, और जैसे जैसे मैं अपने पोज को रेडी करता गया, उसी हिसाब से मैं उसको दूर से बोलता गया कि यहाँ से क्लिक कर, फिर वहाँ से क्लिक कर। भाई साहब मेरे फ़ोटो को काफ़ी टाइम लग गया। और ये हमारे डूडू भाई साहब क्या करते थे, जैसे ही मैं पोज रेडी कर लेता था, वैसे ये अपने पोज को रेडी कर लेते थे। बट कोई नहीं गाइस, मेरे फ़ोटोज़ तो क्लिक हो गए, और आप मेरे इस फ़ोटोज़ को मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हैं Vishu190 करके, प्यारा सा कमेंट करके भी बताना कि आपको फ़ोटोज़ कैसे लगे। तो अभी तो अपन प्रॉपर फ़ोटो क्लिक कर ही रहे थे। तो भाई मैंने यहाँ पर एक वीडियो और बनाई है, जो कि थोड़ी बॉडी बिल्डिंग से ही मिलती जुलती है, उसको भी आप चेक कर लेना, क्योंकि ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट एडिट कर रहा हूँ। जब तक आप जाओगे मेरे इंस्टा आई डी पर, तो ये फ़ोटो आपको मिल जाएंगे। और एडिटिंग में बताना कि भाई मैं एड कैसा करता हूँ। और बात यहाँ आती है पोजिंग की, क्योंकि मैंने किसी से पोज देना नहीं सीखा, खुद से पोज दिया है। तो भाई मैंने यही चाहता हूँ कि खुद से जो चीज़ करोगे ना, वो अच्छी आपको लगेगी और आपके काम भी आएगी। दूसरों से उम्मीद मत रखो, खुद से काम करो। और काफ़ी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि हाथरस में लोकेशन किधर पड़ती है, तो मैं हाथरस वालों को बता दूँ कि ये जब मेंडू की तरफ आप जाओगे, तो वहाँ पर एक माया यूनिवर्सिटी करके एक कॉलेज है, तो उसके अंदर ये न्यू ओपनिंग हो रही है, तो वहाँ पर जाना, ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको लोकेशन कैसा लगा। मेरे हिसाब से लोकेशन काफ़ी अच्छी है, फोटोशूट वगैरह काफ़ी अच्छे आ गए थे मेरे। और ये लुक आपको कैसा लगा भाई, ज़रूर बताना। और ये वाले शायद मैंने पोस्ट नहीं किया, बट एक वीडियो और बनाई है मैंने इसी लुक में, तो आप इंस्टा पर चेक करना और बताना मेरे को कि आपको वीडियो कैसे लगा। हालांकि मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाल दिया था, लेकिन जब आप चेक करोगे तो होप से आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो एक बार ज़रूर चेक करना। तो ये जो गिटार था, मैंने इस गिटार में ज़्यादा पिक नहीं कराए थे, बस एक रील बनाई थी, वो भी मैंने अपलोड नहीं की। ऐसा होता है कि मैं सॉफ्टवेयर कुछ लेता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ देता हूँ। तो हाँ, इस रील को आप ज़रूर चेक करना मेरे इंस्टा आई डी पर, और प्यारा सा अपना एक कमेंट देना। सो फाइनली हमने अपना जो फोटोशूट वीडियोस अपना शूट करना था, वो हमने कर लिया, और हम निकल गए अपने स्टूडियो की ओर। शूट तो काफ़ी टाइम बाद किया था, बट पहली वाली फीलिंग आई, जो पहली वाली वाइब आती है, मैं शूट करता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा इस लोकेशन पर। आप ज़रूर आना अगर आप हाथरस के रहने वाले हो तो। आपके लिए भाभी मैंने फूल तोड़ा है। तो हम तो निकल लिए अपने स्टूडियो की ओर, डूडू भैया और मैं, और ये बाकी सब किसी के ट्रैक्टर में मजे लेते हुए आ रहे थे पीछे। फोटो क्लिक हो जाते हैं, तो मेरे को एडिट करने की भी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच रहे थे। पता नहीं अपने कैमरे क्या हो गया, जब हमारा शूट खत्म हो गया तो ये अपने आप ही कैमरा बंद हो गया। जैसे हम ई रिक्शा से उतरते हैं, तो हमारे सामने हो जाती है बंदर की डेथ, क्योंकि वो बिजली से चिपक कर मर जाता है हमारे सामने। तो भाई काफी भीड़ हो गई थी बंदरों की, तो इसलिए इग्नोर करके निकल गए भाई आगे। सो गाइस, स्टूडियो पहुंचने के बाद हमने ले लिए अपने फोटोज वगैरह, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, दिल से प्यार।